और फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोग ने एफ इजिकल्स टू हाँ वायर की बात कर रहा हूँ जो वायर में करंट फ्लो होगा वो तो पहला था मैग्नेटिक फोर्स एफ एम टू क्यू वी क्रॉस बी दिस इज डिफरेंट मैं कह रहा हूं नाउ अ चार्ज पार्टिकल अभी हमारा करंट है करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा यस इट्स आई एल क्रॉस राइट right? mm -hmm. तो ये हमारा फॉर्मूला था पिछली क्लास में जो हमने बेसिकली सो इट्स एन इलेक्ट्रिक मोटर वॉट इज द इलेक्ट्रिक मोटर इट्स डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी तो जितने भी मोटर होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल uh, एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जो तो जनरेटर होते हैं वो दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट सो वी विल सो वी विल आल्सो सी दैट इन ऑन द चैप्टर या ओके सो यहाँ पे एक कॉइल है हमारे पास ए बी सी डी सो वी विल नॉट सी द वर्किंग ऑफ द Uh, कैसे वो रिंग लगा हुआ है मैग्नेट कैसे कनेक्टेड है ब्रशेस कैसे कनेक्टेड है जो अपने टेंथ में किया था हम वो पार्ट अभी नहीं कर रहे हैं विच आर जस्ट लुकिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट ड्यू टू विच द टॉर्क इज अप्लाइड इन दिस एंड देर इज अ मोशन इन दिस कॉइल राइट तो हम खाली वो टॉर्क कैसे अप्लाई हो रहा है हम उस पार्ट को सेक्शन को स्टडी करेंगे यहाँ पे वी आर नॉट स्टडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर तो अभी क्या है यहाँ पे देखो तो एक कॉइल है ए बी सी डी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है so A, B, C, D, तो ए बी सी डी तो वी हैव हियर फोर सेक्शंस और इनको हमने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में नॉर्थ एंड साउथ सो यहाँ पे ए से लेके डी तक का जो लेंथ है दैट यू कंसीडर एज लेंथ एल और ए से बी तक का जो लेंथ है वो कंसिडर एज लेंथ बी ओके तो एक लेंथ एल है हमारे पास और एक लेंथ बी है अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ पर वो कैसे जा रही होगी ऑल नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन तो हमारा सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सब कुछ इस डायरेक्शन में होगा नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में राइट सो इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ओके सो वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और वो फोर्स का फॉर्मूला भी हमने लिखा तो अभी यहां पर भी फोर्स अप्लाई होगा इस कॉइल में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इज जनरेटेड ना हाउस अभी करंट जो है वो हमारा मूव कर रहा है अगर हम इस वाले सेक्शन में देखें डी से लेके ए तक फिर ए से बी तक फिर बी से सी तक और सी से डी तक अब फोर्स पहले तो किस किस डायरेक्शन में लगेगा तो पहले हम बात करते हैं डी से ए की सो वाई मूविंग द करंट फ्रॉम डी टू ए द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट right साइड में तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे दोगे आप सो इट्स वेरी सिंपल यू विल गिव द डायरेक्शन बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो सो यू नो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर मोशन है ना इसको यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया करंट कहाँ पर है हमारा बैक uh, उस तरफ है मतलब यू कैन से इन टू द बोर्ड तो आपने उसको वहाँ कर दिया तो थम कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है मतलब इस वाले सेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा ओके okay. इस सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट जो है लेट से इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड तो पहले ऐसे था बराबर करंट पीछे जा रहा था अब इसको ऐसे कर दो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी डायरेक्शन में है करंट जो है कमिंग आउट ऑफ बोर्ड फोर्स कहां लग रहा है ऊपर की तरफ तो इस वाले सेक्शन में फोर्स नीचे की तरफ है इस वाले सेक्शन में फोर्स ऊपर की तरफ है बट दीस टू फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे क्योंकि जितना करंट डी से ए में जा रहा है उतना ही करंट बी से सी में, सी में सी जा सी रहा है जितना लेंथ डी से ए का है उतना ही लेंथ बी टू सी, सी, सी का है राइट दैट इज बाय द फोर्स अप्लाइड इन बोथ द केसेस वो दोनों फोर्स क्या होंगे हमारे सेम होंगे ना वॉट सेक्शन में और डीसी सेक्शन में फोर्स कैसे एक्ट करेगा सी। इन टू सेक्शन। अभी हमारा जो फॉर्मूला था फोर्स का एफिकल्स टू आई से एल क्रॉस बी राइट पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो लेंथ और ब्रेथ जो है मैग्नेटिक uh, फील्ड बोथ आर टू अदर है ना ए से बी वाले सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और लेंथ भी हमारा इसी डायरेक्शन में है सो और एल्स यू कैन से करंट की बात से अगर देखे तो तो बेसिकली दे आर मेकिंग एंगल जीरो डिग्री इन दिस पार्ट क्रॉस को हटाओगे साइन डीटा लोगे साइन जीरो इज दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा कमिंग टू दिस पार्ट यहाँ पे इस तरफ के डायरेक्शन में करंट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है दिस मेक्स एंगल हाउ मच वन एटी डिग्री अगेन साइन वन एटी डिग्री इज जीरो मतलब इस वाले सेक्शन में भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा मतलब फोर्स ए बी में और डी सी में इन दो सेक्शन में देर विल बी नो फोर्स राइट यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है फोर्स एक्ट हो रहा है सिर्फ डी ए और बी सी में तो यू कैन सी हियर द सेम डायग्राम वी हैव प्लॉटेड हियर सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ये हमारा जो लेंथ है एल और ये हमारा ब्रेथ है बी इस आर्मेचर कॉइल का राइट right? इसको नेमिंग कर दिया हमने ए बी सी डी तो यहां पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है यहां पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स अंदर की तरफ है तो मैंने उसको ऐसे शो कर दिया क्रॉस दिखा दिया राइट right? यहां पे फोर्स बाहर आ रहा है तो मैंने यहां पे डॉट रिप्रेजेंट कर दिया बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड इन व्हिच डायरेक्शन द फोर्स इज गोइंग सो अभी यहां पर हम जो है ये प्रूफ करेंगे कितना टॉर्क जो है इस पॉइंट पे लगने वाला है ठीक है तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है तो पहले तो हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं चल लिखा ही ठीक है फॉर्मूला क्या था हमारा यहां पे कितना और कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ये देखो ये जो पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा ठीक है ये जो पॉइंट है दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो जैसे कि अगर मान लो ये हमारा कॉइल है राइट यहाँ पे नॉर्थ साउथ है तो दिस बिकम ऑफ रोटेशन यहाँ पे फोर्स बैक साइड है यहाँ पे फोर्स फ्रंट में है तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है ठीक है ये ऐसे रोटेट कर रहा है सो so, जब ये रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सो फिलहाल आफ्टर सम टाइम इट विल ऑल्सो मेक सम एंगल टीटा मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम वहां पे स्टडी करेंगे ठीक है तो पहले ये वाले सेक्शन को खत्म करते हैं ठीक है फोर्स अप्लाइड तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा यहाँ पे हाफ ब्रेथ है बट ठीक है फोर्स uh, का फॉर्मूला क्या था हमारा एफ इजिक्वल्स टू आई बी एल साइन टीटा राइट सिंस एंगल 90 डिग्री है तो बचेगा क्या हमारे पास एफ इक्वल्स टू आई बी एल सिंस टीटा इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री ओके अभी ये तो मैंने सिर्फ फोर्स निकाला एक फोर्स है ना कितना फोर्स लग रहा है तो जितना फोर्स यहां पे लग रहा है उतना ही फोर्स यहां पे लग रहा है मतलब दोनों एंड पे सेम अमाउंट ऑफ तो फोर्स लगे गिव इन द स्टेटमेंट फॉर्म फोर द फोर्स अप्लाइड नहीं लिखते जनरेटेड फॉर द फोर्स जनरेटेड ऑन साइड एडीएन बी सी एंड बी सी इज गिवन बाय इक्वेशन वन ठीक है इतना फोर्स उनमें लगेगा नौ सिंस दीज टू फोर्सेस आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड समझ जाओ ठीक है आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन ड्यू टू विच अ टॉर्क इज अप्लाइड ठीक है इसकी वजह से क्या हो गया इनके बीच में एक टॉर्क अप्लाइड हुआ अच्छा टॉर्क जो होता है अगर मुझे फाइंड आउट करना है कितना टॉर्क है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है तो हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स लेंगे क्योंकि दो जगह फोर्स लग रहा है दोनों में से कोई भी एक लो क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है राइट एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पॉपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस राइट दो फोर्सेस के बीच का पॉपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मेरा टॉर्क हो जाएगा एनी वन फोर्स तो एक फोर्स हम किससे दे रहे हैं आई बी एल आई बी एल मल्टीप्लाइड बाय पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस तो बच्चों एक फोर्स यहां लग रहा है एक फोर्स यहां लग रहा है इन दोनों के बीच में पॉपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी है ना इन दो देखो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है एक फोर्स इस तरफ लग रहा है दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी वाला राइट right? बी है सो द टॉर्क बिकम आई बी एल इंटू बी दिस दिस इज लेंथ दिस इज लेंथ ऑफ द कॉइल एंड दिस इज द ब्रेथ ऑफ द कॉइल एंड दिस लेंथ इंटू ब्रेथ विल गिव यू द एरिया ऑफ दी एमारा अगर मैंने ऐसे बहुत सारे वायर के टर्न ले लिए तो एंड टाइम्स करंट फ्लो होगा हुँ. राइट यह भी एक टर्न है ना वायर का हमारा राइट अगर मैंने ऐसे समझो दस बार वायर ऐसे लपेट दिया इसी डायरेक्शन में राइट तो उतनी टाइम्स करंट फ्लो होगा जितना वायर लपेटा गया होगा तो यहां पे इफ वी हैव एन टर्न्स तो वो वाला सेक्शन भी लिख देते हैं एन टर्म्स है तो इफ एन टर्न्स वायर वी हैव तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहां पे सिर्फ एन से मल्टीप्लाई कर दो एन टाइम्स ऑफ आई बी दिस इज देश्लाइड राइट यहां पे अभी इसी सेक्शन को जब वो किसी एंगल टीटा से होता है बेसिक so था ये बहुत राइट right? तो टॉर्क कितना अप्लाइड हुआ बस हमने खाली उस चीज को यहां पे फाइंड आउट कर रखा है इट्स माइ क्वेश्चन नंबर टू नाउ कमिंग टू अंदर सेक्शन यर द कॉयल हैज बीन रोटेटेड बाय सम एंगल टीटा अब जो कॉइल था हमारा वो किसी एंगल टीटा से रोटेट हो चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे जा रही थी बराबर मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे जा रही थी तो ये जो मेरा आ, क्या कहते हैं कॉयल है इसका जो एरिया डायरेक्शन है वो इस तरफ था बराबर एरिया डायरेक्शन इस तरफ था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी इनके बीच में एंगल नाइनटी था बराबर अब ये घूम चुका है

डी और सी इन सेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है फोर्स लग रहा है सिर्फ एडी और बी सी में ए डी में फोर्स अंदर की तरफ है बी सी में बाहर की तरफ है जैसा कि हमने अभी यहां पर दिखाया ओके, hmm? okay. तो ये चेंज नहीं होगा डायरेक्शन ये हमेशा फिक्स रहेगा राइट right? तभी वो एक ही एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता होगा ठीक है सो इन दिस केस हाउ वी विल गिव दी टॉर्क नाउ सिंपल फॉर्मुला हमारा एफिकल्स टू आई बी एल साइन टीटा है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है राइट बी पार्ट अभी देखो हमारा यहां से लेके यहां तक बी पार्ट था बी पार्ट ये था ना मेरा यहां से लेके यहां तक राइट right? बट उसको बी पार्ट को भी मुझे साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो देखो हमने कैसे किया है तो मेरा यहां से लेके यहां तक का सेक्शन बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेक्शन L है ओके okay? मुझे अभी ये सेक्शन चाहिए तो इस सेक्शन के लिए हमने क्या किया सी यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी आई गॉट अ पर्पेंडिकुलर हियर एंगल टीटा है तो साइन टीटा क्या हो जाएगा साइन टीटा ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट मेरा इसको कुछ नाम दे दो आप यहाँ पे लेट से पॉइंट ओ दे दो तो ओ अपॉन हाइपोटिन्यूस कौन है हमारा डी सी एंड B बराबर क्या है बी तो OC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे जब बी को मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा तो बी साइन टीटा OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी B साइन टीटा राइट तो वो टर्म आपका जो है यहाँ पर चेंज होगा तो so, आपने यहाँ पे सिर्फ बी लिखा था वो साइन टीटा का टर्म उसके अंदर ऐड हो जाएगा और वो साइन टीटा का टर्म आ क्यों रहा है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन टीटा ठीक है तो यहां पर जो आप फॉर्मूला दोगे फोर्स का दैट इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन टीटा आप चाहिए तो डायरेक्टली ऐसे लिखो फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो फिर भी आपको बी साइन टीटा वाला टर्म मिल जाएगा ठीक है या फिर देखो पहले हमने क्या किया था ये टीटा को हमने 90 माना था इसलिए ये साइन टीटा हमारा पार्ट एलिमिनेट हो गया अब उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज बिकॉज अभी वो एंगल टीटा पर है 90, नहीं है ठीक है मुझे चाहिए यहां पे ये मेरा फोर्स है मुझे टॉर्क चाहिए तो टॉर्क के लिए आप क्या करते हो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे पॉपेंडिकुलर कौन है हमारा बी है तो यहां पे बी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको तो फिर टॉर्क हो जाएगा तो चलो हम टॉर्क के लिए आगे लिखते हैं देरफोर टॉर्क इन दिस सेक्शन इज गिवन बाय आई बी एल साइन थीटा इंटू बी अगेन बी एल और बी क्या दे देंगे मुझे A दे देंगे है ना तो हो जाएगा आई बी ए साइन टीटा और अगर एन टर्म्स है तो टाउ वी एन आई बी एस कौन सा ये वही है जैसा हमने टॉर के लिए एनी वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया वही चीज है तो ये मेरा फोर्स हो गया और ये पॉपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया बराबर तो आपका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा एंड यू विल गेट यूल डेटा मतलब क्या आपने एन टाइम्स कॉइल को और uh, बहुत सारे एन टाइम्स ऑफ टर्न ले लिए तो N, N, I, B, A, sin हो जाएगा अब इसमें एक चीज जरा सोचने है वाली जो कि आपने क्लास इलेवेंथ में किया था यहां पर कैन यू गेस एनी थिंग अबाउट दिस आई एन ए या एन आई ए एन आई ए से कुछ दिख रहा है आपको एन आई ए एन आई ए किसी का फॉर्मूला था हमने इस फॉर्मूले को किया था सी मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में मैग्नेटिक मोमेंट अभी आपके बुक में फिलहाल म्यू से दिखाया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया कैसे आया सर वो जरा यहां से मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग इन एन सर्कुलर ऑर्बिट इन लेट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में तो उसका करंट कैसा होगा क्लॉकवाइज होगा राइट right? उसका करंट क्लॉकवाइज हो ठीक है अभी यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे जब कोई जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर तो वो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है अब वो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे दिया जाता है तो, तो वो दिया जाता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके रेवॉल्यूशन से मुझे कुछ करंट मिला और ये जो सर्कल पार्ट में घूम रहा है तो ये कुछ एरिया कवर कर रहा है ना राइट right? सो so, उसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे करंट इनटू एरिया को तो हमें क्या मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है तो यहां पे एम जो है मतलब ये आपका है मैग्नेटिक मोमेंट विच इज करंट इन टू टाइम्स कर दोगे जितनी बार रोटेट कर रहा है एन टाइम्स तो वो एन का टर्म भी इसमें आ जाएगा तो मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं देरफोर मैग्नेटिक मोमेंट इज तो अभी आपके बुक में म्यू लिया है किसी और बुक में उसको कैपिटल एम से डिफाइन करेंगे राइट right? म्यू इज इक्वल्स टू एम जिसकी वैल्यू है एन टाइम्स ऑफ आई इंटू ए क्या है एन टाइम्स ऑफ आई इंटू ए तो यहां पे देखो एन आई और ए की जगह पे मैं डायरेक्टली म्यू लिख सकता हूं डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं म्यू mm. तो ये टॉर का फॉर्मूला हो जाएगा टावर इज इक्वल्स टू म्यू बी और बच्चों जब साइन डीटर को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बोलो बराबर तो टॉर का एक फॉर्मूला ये भी है हमारे पास ये आपके बुक में इसी में कंटिन्यू नहीं किया उसको अलग से दिखाया है आप देखोगे तो कहां पे नेक्स्ट पेज पे देखो ये अलग से टॉपिक लिया वो ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिखा क्या हुँ? है ना उसमें उन्होंने इस पार्ट को लिया बट अल्टीमेटली वो पार्ट यहीं पे कवर हो जाता है हमारा सो so, देखो पे टाव लिखा वो लोग ने क्रॉस बी बराबर एंड दैट म्यू इज वॉट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब लिख देते हैं ये एम जो है ये हमारा है मैग्नेटिक डायपोल अब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे कोई एक मटेरियल मैग्नेट बनता है वो सब इसी पे डिपेंड करता है ठीक है किसी भी मटेरियल का अभी जैसे आपने केमिस्ट्री करते थे पैरा मैग्नेटिक डाय मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक तो ये मटेरियल्स का पैरा डाई फेरो जो होता है ना वो सब इस पे डिपेंड होता है मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर ठीक है तो इसको हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में लेंगे डिटेल में फिलहाल के लिए ये आपका टॉपिक था टॉर्क ऑन अ करंट लूप अच्छा अभी मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन आपके टेक्स्ट बुक से अलग रखा हुआ है Hmm? आपको फाइनल आंसर जो बुक में आया है टेन पॉइंट टू थ्री दैट इज द सेम वॉट वी गेट एन आई ए बी साइन टीटा ठीक है ओके okay. सो so, हाँ वो लोग ने वन एल टू दो लेंथ लिया बताता हूँ वो लोग ने क्या किया है वो लोगों ने इस आधे लेंथ को पहले मान लिया है एल वन बराबर और इस आधे लेंथ को मान लिया है right? एल टू राइट ऐसे लेकर के वो लोग ने भी किया उसको राइट right? तो uh, इसको फिर डिवाइड बाई टू करो वैसे भी दोनों लेंथ सेम ही होंगे हमारे क्योंकि ये हमारा सेंटर में जाएगा बट वो सब करने की जरूरत नहीं है कुछ हमें ईजीली सॉल्व हो जाता है ये ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टॉर्क ओके ठीक है नाउ सी विल सी एप्लीकेशन अगेन उस चीज का कैसे वो वर्क करता है यहाँ पे ये टॉपिक हमने ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में कर लिया था राइट बस अभी हम देख रहे हैं कि कैसे जो ये पार्ट हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे तो टॉपिक इज़ मूविंग कॉयल गैलोमीटर एम सी जी हमने इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया था बट फिर से एक बार कर लेते हैं सी मूविंग कॉयल गैलोन जो है ये एक टाइप ऑफ गैलोन है जिसमें हमारे पास जो है एक कॉयल होती है आर्मीच्योर कॉयल जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं और मैंने बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है हमारी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है कैसी होती है रेडियल व रीजन ऑफ कीपिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड रेडियल इज दैट जैसे मान लो अभी ये ये टॉप व्यू है इसका अब अगर उसे ऊपर से देखोगे तो ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा कुछ देखो नॉर्थ से जो निकला वो नॉर्थ से साउथ नॉर्थ नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी और यहाँ पर ये आप टॉप व्यू देख रहे हो तो टॉप व्यू देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये ऊपर का ये वाला हिस्सा दिख रहा है बराबर तो इसके इसके पीछे साइड में ये वाले हैं हिस्से ठीक है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इट्स मेक एंगल 90 डिग्री अगर मान लो ये घूम के ऐसे यहां पर आ गया ठीक है तो यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही निकल रहा है और यहां पे ऐसे वो एंटर कर रहा है तो हर बारी क्या होगा कि हमारा जो एंगल है वो कितना बनेगा 90 डिग्री तो साइन टीटा हमेशा वन ही रहेगा सो दैट फोर्स इज मैक्सिमम क्योंकि नाइनटी है तो फोर्स मैक्सिमम होगा हमारा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू टीटा की वही है हमारी ओके okay. सो so, ये कैसे काम करता है यहाँ से करंट आया हमारा सामने मिरर लगा हुआ है इसका रीज़न बताता हूँ क्या है आगे यहाँ पर एक हेलिकल स्प्रिंग है जैसे मैं यहाँ से करंट सप्लाई देता हूँ करंट सप्लाई के जाने से करंट इसमें जितना टाइम टर्न्नस दिया हुआ उतने टाइम्स करंट फ्लो होगा यहाँ से बाहर निकलेगा इस कॉइल से होते हुए करंट आगे जाएगा अभी ये सारी चीज़ें हमारी जो है हमको दिखने में आती है हमारे गैलोनीमीटर में अच्छा अभी ये जो मैं रीडिंग शो कर रहा हूँ एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं होता है ठीक है इसमें मिरर लगा हुआ है सामने तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो सेटअप है इसी के सामने हम एक लाइट लगाते हैं लेजर लाइट ठीक क्या लगाते हैं हम लोग राइट right? अभी यहां पर जैसे मान लो अभी यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा ये जब ये जब घूमेगा तो ये स्प्रिंग रोटेट करेगा राइट right? और इसके आगे ना एक स्केल भी लगा हुआ होता है इसके आगे एक स्केल भी लगा हुआ होता है तो क्या होता है कि हमारा जो लाइट ऐसे जाएगा ठीक है वो रिफ्लेक्ट होकर के जो साम सामने जो भी रीडिंग है हमारी तो लाइट जाकर के रिफ्लेक्ट होकर सामने एक स्केल लगा होगा हमारा उस स्केल पे वो रिटर्न फॉल होता है ठीक है अभी तुमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं तो आपको थो थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल होगा क्या चीज़ है पर यहाँ पे इसका मकसद होता है मिरर का कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर फॉल करे बट अभी ये देखो क्या होता है मान लो अभी ये मिरर ऐसे था ठीक है तो लाइट जो है हमारा ऐसे गया सीधा टकरा के आया तो सीधा टकरा के आया तो वो हमें सेंटर पार्ट में ही मिलेगा बराबर पर जब ये कॉइल घूमेगा रोटेट करेगा तो ये मिरर मान लो ऐसा हो गया ठीक है तो लाइट जो ऐसे आएगी अब टकरा के सीधा नहीं जाएगा अब लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी हो जाएगा। अल, है ना लाइट ऐसे आकर के अलग डायरेक्शन में जाएगी तो जिससे जिससे क्या होगा कि जो स्केल है मतलब जो पहले रीडिंग यहाँ आ रही थी मान लो वो रीडिंग यहाँ पर कहीं आएगी तो हम लोग यहाँ पे गेलोनीमीटर की रीडिंग जो है वो स्केल की मदद से लेते हैं डिस्टेंस से देख करके तो ये थोड़ा सा अलग तरीके गैलोनीमीटर है बट हमें समझना क्या है यहाँ पर वो मैटर है अभी हमें ये नहीं समझना है सुनो अब इसमें होता क्या है कि जब कर, जितना ज्यादा आप करंट इसमें से पास करोगे तो ये कॉइल उतना ज्यादा घूमेगा ठीक कॉइल घूम रहा है तो ये जो स्प्रिंग है हेलिकल स्प्रिंग हमारी राइट तो ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग में उतना ज्यादा टॉर्क क्रिएट होगा रिस्टोरिंग टॉर्क क्या क्रिएट होगा बताता हूँ रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है सी मैंने इसको लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था रिस्टोरिंग टॉर्क इज जैसे अगर वो ये अभी हमारा मान लो करंट दिया मैंने ये कॉइल अब घूम गया बराबर करंट सप्लाई छोड़ने को इसको रिटर्न अपनी जगह पे आना है नहीं तो हमेशा गलत रीडिंग देगा तो ये जो आ, स्प्रिंग लगा हुआ है ये क्या करता है ये जितना करंट इसमें आएगा जितना ये घूमेगा उतना ये रिस्टोरिंग टॉर्क अपने अंदर क्रिएट करेगा मतलब इसके टॉर्क पे इसका टॉर्क डिपेंड है या इसके डिफ्लेक्शन पे इसका टॉर्क डिपेंड है है ना ग्रेटर डिफ्लेक्शन ग्रेटर द रिस्टोरिंग टॉर्क पर डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड हो रहा है करंट पे डिफ्लेक्शन right. किस पे डिपेंड हो रहा है तो ग्रेटर द करंट ग्रेटर द डिफ्लेक्शन ग्रेटर द रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड बराबर तो yeah. so इसको अभी हम इक्वेशन के टर्म्स में अगर देखें तो इक्वेशन के टर्म में जो मेरा टॉर्क है बेसिकली अभी हमने फॉर्मुला लिखा था क्या था एन आई ए बी साइन टीटा तो एजाई टोल साइन टीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन तो इसको आप नहीं लिखो तो भी चल जाए तो हमारा फॉर्मुला है एन आई ए बी राइट एन इज दी नंबर ऑफ टाइम्स करंट फ्लोइंग इज द एरिया बी इज द मैग्नेटिक फील्ड तो ये तो मेरा टॉर्क हो गया जो कि लग रहा है हुं? फिर हमने ये बोला कि जो मेरा रिस्टोरिंग टॉर्क है रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन से 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 को मैंने डिफाइन किया कितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है कितने एंगल से ये घूम रहा है कौन कॉइल जितना ज्यादा एंगल से घूमेगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा यहां पर जनरेट होगा हो ठीक है तो इसको हटा हटाने के लिए आप कुछ कॉन्स्टेंट लेते हो तो टॉर्क इज इक्वल्स टू

बट tau इज इक्वल्स टू ये वैल्यू भी है इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एन आई ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ फाइव ना अभी मुझे यहाँ पर रिलेशंस uh, चाहिए लेट से मुझे कोई एक वैल्यू निकाली उन्होंने कुछ वैल्यू निकाली वहाँ पे क्या निकाला फाई निकाला है, है ना के को इधर लेकर के आ जाओ तो के जब आपका इधर आ जाएगा तो आपको मिलेगा एन आई ए बी बाय

तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट होगी ना ही मैं इस हेलिकल स्प्रिंग को चेंज कर रहा हूँ तो इसका के भी कॉन्स्टेंट होगा तो बचा है क्या यहाँ पे सिर्फ आई का टर्म जो वेरी कर सकता है तो आई को अगर मैं बाहर लिखूँ तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू एन ए बी बाय के टाइम्स आई ये सारे टर्म कॉन्स्टेंट है अगर इन सबको मैंने c बोल दिया एक कॉन्स्टेंट c मान लिया तो ये c टाइम्स ऑफ आई हो गया अगर मैं इस सी को हटा दूँ तो फाइव इज प्रोपोर्शनल टू आई मिल गया जो हमने पहले बोला था कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो ग्रेटर द करंट ग्रेटर विल बी दी डिफ्लेक्शन ओके तो ये चीजें थी इसमें तो हमने खाली बस फॉर्मूले को यूज किया है इसके अंदर बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर तो दिस वाज इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें टॉर्क कैसे अप्लाई हो रहा है वो हमने सीखा था ठीक है नेक्स्ट इज मैग्नेट मैग्नेटाइपल मूवमेंट अभी मैंने बताया मैग्नेट डाइपल मूवमेंट क्या है तो सिंपल इट वॉज फॉर्मूला था हमारा क्या क्या फॉर्मूला जनरेट किया था हम लोगों ने टाव इज इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन टीटा हमने बताया एन आई ए को हमने लिख दिया म्यू बी साइन टीटा तो ये हो जाएगा म्यू क्रॉस बी ठीक है जो कि मेरा क्या है टॉर्क है अच्छा ये टॉर्क तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड में मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी टॉर्क मिला था हमें P वो टॉर्क क्या था पी क्रॉस था. था? E. Right? तो जिस तरीके से हमने यहां पे म्यू है दैट इज वॉट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिस पीज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट राइट एंड इफ यू रिमेंबर ये पी का डायरेक्शन दिया दिखाया था हम लोगों ने जब प्लस से माइनस लिखते हैं हम तो बोलते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑपोजिट होता है नेगेटिव से तो पॉजिटिव तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा राइट right? नेगेटिव से पॉजिटिव वाला ठीक है तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट फिर है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इसको भी आप कंपेयर कर दोगे इलेक्ट्रोटिक से तो कंपेयर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक uh, में जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज गिवन बाय राइट उसको हम यू से लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी को सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय मैग्नेटिक की नहीं मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था बोलो यू इजिकल्स टू माइनस पी डॉट ई इसको भी हमने प्रूफ किया था एनर्जी है एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का तो आपको स्केलर ही मिलेगा ठीक है सो माइनस पी डॉट इसका मैग्नेटिज्म में, में तो एनालॉगस ये हो जाएगा, आ, यहां पे एनर्जी हो जाएगी पी की जगह क्या ले लोगे आप म्यू सो माइनस म्यू डॉट ई की जगह लोगे बी राइट right? बस इतना ही फॉर्मूला है ये अब इसमें अगर केसेस डाल दो आप तो देखो यहाँ पे हमें U की वैल्यू जो है मतलब आ, एनर्जी की जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट पे और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो कॉस यहाँ पे कॉस सीट आएगा ना तो कॉस जीरो हो जाएगा ये तो ये देगा माइनस म्यू बी कॉस ज़ीरो हमारी एनर्जी है ठीक हमने केसेस ले लिए केस वन इफ टीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री तो मुझे आंसर आ जाएगा यू इक्वल्स टू माइनस म्यू भी आ जाएगा क्योंकि कॉस जीरो वन हो जाएगा केस टू ले लिया इफ टीटा इक्वल्स टू तो माइनस वन आ जाएगा आंसर उसका तो मुझे यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस म्यू भी बराबर तो ब, बड़ा कौन सा ये बड़ा या ये बड़ा है ये नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है सो दिस इज ग्रेटर दिस इज स्मॉलर तो इससे ये बात समझ में आती है कि जब हमारे दोनों पैरल होंगे म्यू और बी जब दोनों पैरल होंगे तो जो एनर्जी होगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो स्मॉल होगी राइट पर जब दोनों एंटी पैरल होंगे एक नीचे की तरफ होगा और दूसरा ऊपर की तरफ होगा राइट तो उस वक्त जो हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो थोड़ा सा लार्ज होगा राइट दैट्स इट इतना ही है इसके अंदर सो तो. so, ये बेसिक बेसिक टर्म्स हैं इनके ऊपर सी में बड़े क्वेश्चन आते हैं वन वन मार्क्स के लिए राइट इनके ऊपर सी टी में आपको फॉर्मुले याद है सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कि आपको फॉर्मले सारे याद होने चाहिए राइट अभी यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोल दिया है ठीक है तो अगर आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए इन मूविंग कॉयल एम सी जी राइट द डिफ्लेक्शन इन द कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश तीन चार ऑप्शन दे दिया ये सारी चीजें ऐसे ही होने वाली है अभी तो फॉर सी टी हैव टू गो विथ द फॉर्मलेस एवरीथिंग ओके नोट इट डाउन फर्स्ट